और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम टॉपिक करेंगे डिलीवरी रिसिप्ट नोट। कौन सा टॉपिक करेंगे? डिलीवरी रिसिप्ट नोट। पहले ओपन करेंगे, ऑर्ट प्लस डब्ल्यू, ऑर्ट प्लस जे से ऑल्ट प्लस डब्ल्यू, ऑल्ट प्लस जे। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू क्या होता है? वर्क इन एजुकेशन मोड। और ऑल्ट प्लस जे क्या होता है? गोल्ड एडिशन मोड। यहां तक हो गया सभी का? जो कल टॉपिक करवाया था वो समझ आ गया सभी को? जो कल मैंने डिलीवरी रिसिप्ट नोट का टॉपिक करवाया था वो समझ आ गया सभी को? आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी कल जो हमने किया था परचेज वाउचर सेल वाउचर का था, आज हम करेंगे डिलीवरी रिसिप्ट नोट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑल्ट प्लस F3, नोट करो कॉपी में, ऑल्ट प्लस F3, कंपनी क्रिएशन। सबसे पहले हमें क्या करना है? कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी का नेम डाल दिया, एड्रेस, स्टेट, उसके बाद कंट्रोल ए से हमने क्या किया? कंपनी को सेव कर दिया। कंट्रोल ए से भी कर सकते हो, कंटिन्यू एंटर से भी हम क्या है कंपनी को सेव कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे अपने पास दो कंपनी ओपन है, कौन सी? एक तो अभी हमने SB के नाम से बनाई है वो, और दूसरी जो पहले से बनी हुई है वो। हमने क्या किया? दोनों में से एक को सट कर दिया। सट मीन्स क्या होता है? छुपाना। एक कंपनी को हमने यहां से क्या किया? छुपा दिया। छुपाने के बाद F11, F11, F2, F11, F2। देखो कल हमने क्या किया था? F11, F1 प्रेस किया, तो कौन सा फीचर ओपन हुआ था? अकाउंटिंग फीचर। आज हम प्रेस करेंगे F11, F2, तो कौन सा फीचर ओपन होगा? इन्वेंटरी फीचर। कौन सा फीचर आ जाएगा? इन्वेंटरी फीचर। इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा यूज ट्रैकिंग नंबर, यूज ट्रैकिंग नंबर, डिलीवरी रिसिप्ट नोट, यस। इस ऑप्शन को हमने यस किया। कौन सा ऑप्शन यस किया है? यूज ट्रैकिंग नंबर, डिलीवरी रिसिप्ट नोट, यस। सेव, कंट्रोल ऐसे उसको सेव किया, एस्केप बटन प्रेस कर दो, कर्सर आ जाएगा गेटवे ऑफ टेली। वी ऑल्ट प्लस F9, क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट प्लस F9, ऑल्ट प्लस F9 किसकी शॉर्टकट है? रिसिप्ट नोट वाउचर की। किसकी शॉर्टकट की है? रिसिप्ट नोट वाउचर। रेफरेंस नंबर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? रेफरेंस नंबर डाल दिया। अब देखो यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन करते हैं, वही लेजर हम बाहर का भी बना सकते हैं। कहाँ से? एस्केप बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओ। ए से अकाउंटिंग इन्फो, देखो जिस पे हमारा कर्सर है अकाउंटिंग इन्फो पे एंटर करेंगे, लेजर क्रिएट। यहां से हम क्या है सीधा लेजर क्रिएशन भी कर सकते हैं। अब लेजर किस नाम से बनाना है? फर्स्ट हमने डाल दिया राम, अंडर सैंड्री क्रेडिटर, सेव। दूसरा लेजर का नेम हमने डाल दिया श्याम, सैंड्री डेटर्स, सेव। उसके बाद हमें परचेज का लेजर बनाना है, नेम में PRC अंडर परचेज अकाउंट, सेव। और उससे अगला हमने कौन सा बनाना है? सेल का। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? अंडर में सेल अकाउंट। देखो नेम में SLS अंडर सेल अकाउंट। SLS की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं आपको SLS ही लेना है। सेल करने वाले का नाम हम यहाँ पे एंटर कर सकते। उसके बाद हम करेंगे सेव। अब आ जाओ गेटवे ऑफ टेली।
अब हमें उसके अंदर आइटम बनाना है, आइटम भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई आई सी, आई आई सी की फुल फॉर्म क्या होती है, आ से इन्वेंट्री इन्फो, दूसरे आई से स्टॉक आइटम और सी क्रिएट। क्या प्रेस करेंगे, आई आई सी, आई से इन्वेंट्री इन्फो, दूसरे आई से स्टॉक आइटम और सी से क्रिएट। आइटम का नेम डाल दिया हमने सीमेंट। सीमेंट क्या है, मटेरियल अंडर और प्लस सी, हमने यहाँ पे डाल दिया मटेरियल, सेव किया, यूनिट और प्लस सी, सिंबल बीजी। सीमेंट को किस में खरीदते हैं, बैग में खरीदते हैं, क्योंकि वो पैक होके आती है ना, तो उसको हम किस में खरीदेंगे, बीजी। बीजी की फुल फॉर्म क्या है, बैग। सेव किया, उसके बाद यहां से भी हमने इसको सेव कर दिया, एस्केप बटन, गेटवे ऑफ टेल, गेटवे ऑफ टेल तक पहुंच गए। वी ऑल्ट प्लस F9, क्या प्रेस करेंगे, वी ऑल्ट प्लस F9, रिसिप्ट नॉट वाउचर आ जाएगा। रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर ऐड किया, पार्टी अकाउंट नेम, देखो यहाँ पे हमने पार्टी पीछे ही बना ली, लेजर पहले क्रिएट कर लिए ना वापस बैक में जाके, तो वही लेजर हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहीं से लेजर क्रिएट करना है तो पार्टी अकाउंट नेम हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस सी करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या है, लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। अब हमने पहले वाला लेजर क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, किस नाम से था अपना पहले लेजर, राम से, तो उसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये मांगेगा हमसे ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर की डिटेल डालो। ऑर्डर डिटेल में क्या होता है, रेफरेंस नंबर होता है, अदर रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर हमने डाल दिया 1 2 3। फ्लायर नेम क्या है, राम। एड्रेस क्या है, यहाँ पे हम एड्रेस एंटर करेंगे। सेल टैक्स नंबर, टैक्स नंबर, जीएसटी नंबर, ये डिटेल हमें इसके अंदर, जैसे ही हमारे पास रिसिप्ट रिसिप्ट आएगी, बिल वगैरह आएंगे, तो उसमें क्या है ये सब हमें मिलते हैं, तो वही हम क्या है यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर। अब देखो परचेज लेजर, परचेज का जो हमने दूसरा लेजर क्रिएट किया था ना, वो लेजर डालना है यहाँ पे। दूसरा लेजर किस नाम से किया था, पीआरसी के नाम से, पीआरसी के नाम से है तो वो डाल दो, अदर नेम से है तो वो भी डाल सकते हो। परचेज लेजर पीआरसी, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम है, आइटम बनाया था हमने पीछे, पीछे जो हमने सीमेंट का आइटम बनाया था वो हम यहाँ पे सी प्रेस करेंगे तो क्या है, आइटम शो हो जाएंगे, जितने भी आइटम बना रखे हैं सभी आइटम शो हो जाएंगे। अब ये देखो ट्रैकिंग नंबर, जो रिसिप्ट मिलती है ना हमें, उस पे क्या होता है, ट्रैकिंग नंबर होता है, वो ट्रैकिंग नंबर हमें यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। अब अपने पास ट्रैकिंग नंबर है नहीं तो हम यहाँ क्या डालेंगे, जो हमने रेफरेंस नंबर डाला ना पीछे, वाउचर रिसिप्ट नोट वाउचर के बिल्कुल नीचे जो हमने नंबर डाला था 1, उसी को सिलेक्ट किया, एंटर। क्वांटिटी, क्वांटिटी डाल दी हमने 50, रेट डाल दिया हमने 700। रेट डालने के बाद सेव। दूसरा आइटम भी आपका कोई है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो उसको, अगर दूसरा आइटम नहीं है तो इसको हम करेंगे सेव। इसके बाद ये तो देखो, ये तो होगी परचेज की एंट्री अपनी, अब सेल की और करनी है डिलीवरी नोट वाउचर की। डिलीवरी नोट वाउचर की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F8, क्या होती है, ऑल्ट प्लस F8, ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करोगे डिलीवरी नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। कौन सा वाउचर आएगा, डिलीवरी नोट वाउचर। रेफरेंस नंबर, यहाँ पे हमने 11 डाल दिया क्योंकि 1 तो पहले वाले में ही डाला था ना परचेज वाले में,
अलग डालना चाहो अलग डाल सकते हो, सेम डालना चाहो सेम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेफरेंस नंबर डाला, पार्टी, सेल किस नाम से थी अपनी, क्रेडिट का लेजर किस नाम से बनाया था हमने, श्याम से, तो सॉरी डेबिट का, डेबिट का लेजर किस नाम से बनाया था, श्याम से, तो यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे, श्याम। एंटर। यहाँ पे क्या क्या डालना है, ऑर्डर डिटेल, डिस्पैच कब हुआ उसकी डिटेल और बायर डिटेल। डालने के बाद हम प्रेस करेंगे एंटर, हमारा कर्सर आ जाएगा सेल्स लेजर पे। ठीक है, सेल्स लेजर पे कर्सर आ गया, लेजर क्रिएशन यहाँ से करना है, पहले नहीं बना रखा, ऑल्ट प्लस सी करो, यहीं से लेजर क्रिएट कर दो। अगर पहले बना रखा है तो एस्केप करो, जो हमने पहले बना रखा ना SLS नाम से, उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करो। हो गया यहाँ पर सभी का। इसके बाद आइटम क्या है, आइटम का नेम डाल दिया हमने सीमेंट। अभी देखो सीमेंट डालने के बाद एंटर किया तो यहाँ पे दो ट्रैकिंग नंबर से हो गए, 1, 11। 1 कौन सा था, जिसमें हमने परचेज किया था, और 11 कौन सा है, जिसमें अब हम सेल कर रहे हैं। सेल का रेफरेंस नंबर क्या डाला था, 11। 11 को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी रेट डाल दिया। क्वांटिटी रेट डालने के बाद एंटर, एंटर करके हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। हो गया यहां तक सभी का, अभी जहां तक हमने किया हो गया क्या सभी का, वाउचर एंट्री, एस्केप बटन प्रेस करो, कर्सर आ जाएगा गेटवे ऑफ टेल पे, डी से डिस्प्ले। अब हम इसको चेक कहां पे करेंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, परचेज बिल पेंडिंग, परचेज वाला किससे चेक करेंगे, परचेज बिल पेंडिंग, और सेल वाला किससे चेक करेंगे, सेल बिल पेंडिंग, परचेज बिल पेंडिंग पे एंटर किया तो यहाँ पे क्या है अपना, सिर्फ परचेज का शो हो जाएगा। परचेज में कौन सा वाउचर था, रिसिप्ट नॉट वाउचर, तो यहाँ पे देखो कौन सा, ये सीमेंट है बिल्कुल नीचे फ्रॉम राम, और उसके बाद देखो 1 अप्रैल 2020 में कौन सा वाउचर है, रिसिप्ट नॉट वाउचर। रेफरेंस नंबर कितना है उसका, ट्रैकिंग नंबर 1। मटेरियल टोटल कितना था, 50 बैग, एक बैग का रेट कितना था, 700 रुपए, और टोटल कितना है, 35,000। आ गया सभी को यहाँ तक, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। अभी देखो सेल का कैसे चेक करेंगे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, वो दोनों तो पीछे वाले तो सेम रहेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स बिल पेंडिंग, क्या आ जाएगा, सेल्स बिल पेंडिंग, एंटर कर, यहाँ पे क्या है, सेल का शो कर दे। ठीक है, अब ये देखो इसमें से हमने कुछ माल स्टॉक भी रख लिया, 10 बैग को स्टॉक रख लिया ना, टोटल 50 थे अपने पास, स्टॉक माल कहाँ पे दिखाएगा, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी स्टॉक क्यूरी, कितने बैग स्टॉक रख लिए हमने, नीचे देखो इसमें बिल्कुल गोडाउन बैच डिटेल में, मेन लोकेशन में प्राइमरी बैच कितने बैग स्टॉक हैं, 10। ऊपर देखो नाम क्या था आइटम का, सीमेंट, ग्रुप क्या बनाया था, मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 10 बैग, कॉस्ट प्राइस कितना था, परचेज करने का 700, और सेल करने का कितना था, 780, क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी, 7,000, एवरेज का प्राइस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को, जो हमने टॉपिक किया है उसमें उसके बारे में अगर कुछ ना समझ आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं।
और नई वीडियो के लिए आरसीआईटी हरियाणा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।